राजधानी भोपाल में तंबाकू नियंत्रण कानूनी नियमों का पालन कराने के लिए 19 जोनल अधिकारियों को निगम आयुक्त ने नोडल अधिकारी बना दिया है। बता दें कि दुकानों, गुमठियों और अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के साथ बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी आदि बेचना विक्रेताओं को भारी पड़ेगा। ऐसा करते पाए जाने पर तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत विक्रेताओं को 7 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कानून में प्रावधान है कि किसी भी दुकान परिसर पर तंबाकू से संबंधित या तंबाकू के प्रति आकर्षित करने वाला विज्ञापन लगाना दंडनीय है। नाबालिग बच्चों को तंबाकू बेचना दंडनीय है। शैक्षणिक संस्थाओं से 300 मीटर तक तंबाकू उत्पादों को बेचना भी बैन है और तंबाकू उत्पादों पर 85% तक चित्रयुक्त चेतावनी देना अनिवार्य है। बता दें कि वैश्विक वैक्स तंबाकू सर्वेक्षण 2016 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 34% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इससे तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के आसपास रहने वाले लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पत्रिका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।